विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वैज्ञानिक तो आविष्कार करते ही हैं, मगर जमीनी स्तर के कुछ नव सर्जक जरूरत के हिसाब से अपनी समस्याओं का समाधान भी खुद ही तलाश लेते हैं। ऐसे ही एक ग्रासरूट इनोवेटर है बरेली उत्तर प्रदेश की दुर्गा देवी। दुर्गा देवी दिव्यांग है जिनका अदद सहारा होती है एक बैसाखी, लेकिन उन्होंने देखा कि जो बैसाखी वो इस्तेमाल कर रही हैं उन्हें मदद तो करती है लेकिन पूरी तरह से उनके अनुकूल नहीं है। उसमें कई सारी खामियां हैं जिससे उन्हें चलने में कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार वो गीले फर्श पर फिसल गईं क्योंकि बैसाखी ठीक से फर्श पर टिक नहीं पा रही थी, इसलिए उन्होंने इस बैसाखी में संशोधन कर एक नई बैसाखी बनाने की सोची। दुर्गा देवी ने घर से बाहर निकलने पर नोट किया कि कई बार उबड़ खाबड़ रास्तों से उन्हें झटके लगते हैं, इससे कई बार बैसाखी भी हाथ से छूट जाती है। इसके अलावा ये भी पाया कि बैसाखी को सतह पर टिकाने में भी कई बार असुविधा होती है। उन्होंने अपनी बैसाखी में 3 सुधार किए। एक बैसाखी में एक बेल्ट जोड़ दी जो बैसाखी को हरदम कंधे से जोड़े रखती है। इससे फायदा ये है कि बैसाखी कभी हाथ से छूटेगी नहीं। दूसरा, उन्होंने बैसाखी में एक शॉक ऑब्जर्वर फिट कर दिया, यानी उबड़ खाबड़ रास्ते या सीढ़ियां उतरने आदि में झटके नहीं लगेंगे। तीसरा, उन्होंने बैसाखी के निचले हिस्से में एक क्लच के साथ कपनुमा उपकरण फिट कर दिया जिससे बैसाखी को किसी भी प्रकार की सतह पर आसानी से टिकाना संभव हो गया। इन नए सुधारों से बैसाखी में पैदा होने वाली उपरोक्त दिक्कतें खत्म हो गईं और बैसाखी पहले से ज्यादा असरदार हो गई। दुर्गा देवी की बैसाखी आज लाखों दिव्यांगों का सहारा बनी हुई है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने उनके कार्य का मूल्यांकन किया और उसे उपयुक्त पाया। उन्हें वर्ष 2019 में राज्य की श्रेणी में नेशनल इनोवेशन अवार्ड प्रदान किया गया।